तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन, शिनचैन, पिनचैन और चॉप आ चुके होते हैं एक कोने पर, और वहां पर वो लोग बनाते हैं अपने लिए एक शेल्टर, अपने लिए एक झोपड़ी, ताकि वो लोग सेफ रह सके वहां पर कड़कती हुई बिजलियों से। उसके बाद फ्रैंकलिन सोचता है कि अब किस तरीके से इस डार्क वर्ल्ड से निकलना है, और इसके लिए उसे पता चल जाता है कि किसी ना किसी की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। इसलिए वो किसी की हेल्प लेने के लिए, किसी बंदे को ढूंढने के लिए उस डार्क वर्ल्ड में निकलता है अपनी गाड़ी को लेकर। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो सो जाता है, और तभी उस पर अटैक कर देता है डार्क घोस्ट, उसकी गाड़ी को लॉक कर देता है, और डार्क घोस्ट पूरी तरीके से फ्रैंकलिन को पटकने लग जाता है। तभी उसकी हेल्प करने के लिए आता है वहां पर एक डियर, एक मैजिकल डियर, जो कि फ्रैंकलिन को अपनी पीठ पर भगाता है और भगाता हुआ लेकर आ जाता है उसके शेल्टर की तरफ। और डियर अब एक तरीका भी बताता है फ्रैंकलिन को निकलने का। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या फ्रैंकलिन डार्क घोस्ट से बच पाएगा, देखते हैं इस वाली वीडियो में। तो लास्ट टाइम गाइज यही अपना शेल्टर था भाई जो मैंने बनाया था, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा है भाई। बिजली बिजली कड़क रही है तो कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है, और बिजली का तो डर छोड़ो भाई, ये जो पानी वानी बरस रहा है, ये बारिश हो रही है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पर, एकदम सर छुपाने के लिए अपनी एकदम मस्त जगह है। और ये मैंने पूरा शेल्टर बनाया था वहाँ के सूखे पेड़ों का यूज़ करके, तो काफ़ी ठीक ठाक शेल्टर बन गया था। और ये अपना मैजिकल डियर, अपना एक दोस्त, जिसने भाई लिटरली में एकदम बहुत एपिक एक मस्त तरीका बताया है हमें यहाँ से निकलने का। मैं तुम लोगों को एक बार तरीका समझा देता हूँ। तो देखो गाइस, सीन क्या है कि ये जो डार्क घोस्ट है भाई, वो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में किस तरीके से ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है भाई एक पोर्टल ओपन करता है, फिर दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, और फिर पोर्टल क्लोज हो जाता है, फिर दोबारा से पोर्टल ओपन करता है, दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, पोर्टल क्लोज हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि भाई वो आता जाता रहता है, अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रैवल करता रहता है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग हमारा जो घर है इस वाले वर्ल्ड में, इस डार्क वर्ल्ड में, वहाँ जाकर हम लोग छुप सकते हैं, और जैसे ही भाई वो डार्क घोस्ट आएगा, किसी दूसरे वर्ल्ड के लिए पोर्टल ओपन करेगा, उसके साथ साथ पीछे से हम भी चले जाएंगे उस पोर्टल के अंदर, और हम लोग भी संग संग निकल जाएंगे इस डार्क वर्ल्ड से। तो ये था इस डियर का प्लान, जो कि काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी बढ़िया लगा यार। सिंपली बस हमें इंतज़ार करना है कि कब वो पोर्टल को ओपन करेगा खुद के जाने के लिए, ठीक है, और उसके पीछे पीछे हम भी कूद जाएंगे उस पोर्टल के अंदर से। अब देखो भाई, ये आइडिया वैसे सिंपल तो लग रहा है, लेकिन शिनचैन, पिनचैन, मैं, चॉप, हम चारों का एक संग कूद पाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मान लो भाई उस डार्क घोस्ट ने पोर्टल बंद कर दिया, तो हम दो तीन निकल जाएंगे, एक आध यहीं रह जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम चारों का एक संग निकलना ज़रूरी है, और चारों का एक संग निकलने के लिए हमारे पास हमारी गाड़ी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई डार्क घोस्ट जैसे ही कूदेगा, हमें तेज़ी के साथ उस पोर्टल के अंदर जंप लगानी है। तो ये सीन होने वाला है। अब भाई सीधी सी बात है, गाड़ी जो है वो लॉक पड़ी हुई है, अब मुझे कुछ भी करके उसका लॉक ओपन करना है। तो शिनचैन, पिनचैन और चॉप तुम लोग यहीं पर रुको, मैं चला भाई उस गाड़ी को लाने के लिए। भाई साहब यार कल, लेकिन वो गाड़ी तो लॉक पड़ी हुई है भाई, और वहाँ पर वो डार्क घोस्ट भी तो भटक रहा है, क्या पता डार्क घोस्ट अब वहाँ से चला गया हो। अरे लेकिन अगर आ गया होगा तो? आ गया होगा तो भाई पिनचैन यार पता नहीं आगे क्या होगा। एक काम करना भाई, तू इस डियर को ले जा अपने संग, मैजिकल डियर भाई एक और हेल्प कर सकता है तू। बोलो क्या भाई? यार मेरे को जरा अपनी पीठ पर बिठा कर यार वो अपनी मेरी गाड़ी के पास छोड़ाएगा। तुम वहाँ पर पहुँच के क्या करोगे? अपना भाई वो अपनी गाड़ी को अनलॉक करके मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। तुम्हें क्या लगता है उस गाड़ी को तुम आसानी से अनलॉक कर लोगे, जिस गाड़ी को लॉक डार्क घोस्ट ने किया है? पता नहीं भाई, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। सच में? बिल्कुल, मैं तुम्हारी गाड़ी का लॉक ओपन कर दूंगा, और तुम सिंपली अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर आ जाना। ओके। तो फिर बैठो मेरी पीठ पे। ओके। डियर की पीठ पे बैठ चुका भाई, बहुत तगड़ा मैजिकल डियर है ये भाई, बहुत तेज भागता भी है ये। ओके, और यही तुम लोगों को लग रहा होगा यही इसकी मैक्सिमम स्पीड है, नहीं भाई, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड समझने की गलती तुम लोग बिल्कुल भी मत करना। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट, बहुत तगड़ी स्पीड में जाता है, अब पकड़ेगा देखना वो मैक्सिमम स्पीड अपनी। ओके, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम स्पीड इसकी भाई लिटरली में अल्टीमेट है, अल्टीमेट, देखो तो भाई स्पीड, इतनी फास्ट तो मेरी गाड़ी भी नहीं है भाई। डियर यार के एकदम ही कमाल बंदा है, वैसे बंदा तो नहीं है, एनिमल है, बट जो भी है बहुत ही कमाल का डियर है भाई, मैजिकल है एकदम, कितनी ज़्यादा फास्ट लेके आ गया भाई, लिटरली में ये पता भी नहीं चला है। ओके, तो ये मेरी गाड़ी है भाई, डियर यार हेल्प कर दे भाई थोड़ी सी। ओके, तो तुम टेंशन मत लो, हट जाओ गाड़ी के पास से। हट गया भाई, हट गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। पता नहीं भाई क्या करने वाला है ये, कुछ तो करने वाला है।
ओके ओके, डियर जा रहा है गाड़ी की तरफ और गाड़ी पे क्या कर रहा है ये। ओके डियर उधर की तरफ जा रहा है, मुझे लग रहा है ये एकदम से फुल स्पीड में आके ये गाड़ी को ठोकेगा अपनी सींगों से, मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है भाई। देखते हैं आगे क्या होता है बाकी। ओके 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 कम ऑन। ओ भाई साहब बहुत ही तगड़ी टक्कर मारी डियर भाई। ठीक है तू ठीक है ठीक है ठीक है। ओके आई गेस दोबारा ट्राई करेगा ये। ओके फिर से ये पीछे की तरफ जा रहा है। अरे यार कैसा लॉक कर दिया है यार उसने अपनी मैजिकल पावर से। तो डार्क घोस्ट यार बहुत ही खतरनाक है। ओके ओके डियर भाई कम ऑन यू कैन डू दिस कम ऑन। अबे यार भाई नहीं खुल रहा ये गेट, कैसे अनलॉक करेगा ये मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। टेंशन मतलब हो जाएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या था, मैं नाम भूल गया। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन नाम था। ओके तो आई गेस इस बार अपनी पावर्स का यूज कर रहा है डियर। यस वैसे भी ये मैजिकल डियर है भाई, तुम लोगों ने स्पीड खुद देखी भाई इसकी कितनी तगड़ी स्पीड है। तो इस बार शायद से पावर का यूज करते ही। ओके अब देखो। क्या देखूं? अब देखो जरा गाड़ी के अंदर बैठ के। अच्छा चलो बैठ के देख लेते हैं अब। ओके ओके ओ ये खुल गया। अरे भाई डियर यार तू तो काफी ज्यादा बढ़िया बंदा निकला यार। थैंक यू यार। आजा भाई तूने मेरी पीठ की सवारी करी, मतलब मैंने तेरी पीठ की सवारी की, अब तू मेरी गाड़ी की सवारी कर। अच्छा ठीक है आजा आजा फटाफट से बैठ जा भाई बैठ जा। ओके ओके कैसा लग रहा है भाई गाड़ी पे बैठ के? काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है यार ये तो है। वैसे तेरी फैमिली कहाँ है यार? वो सब अलग अलग जगह पर हैं यही डार्क वर्ल्ड में। ओके गॉट दिस। बताओ यार पहले कभी ये भी एकदम खूबसूरत जगह हुआ करती होगी, लेकिन आज ये कैसी जगह बन गई है एकदम स्केरी सी, जहाँ पर अलग अलग मौसम है हर जगह। ओके हम लोग अपने फाइनली शेल्टर की तरफ पहुँचने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा जल्द। ओके देख रहा भाई तू स्पीड, लेकिन मेरे जितनी अच्छी स्पीड नहीं है इस गाड़ी की। हाँ हाँ भाई तू मैजिकल बंदा है, ये गाड़ी थोड़ी ना मैजिकल है। ओके फाइनली आ गए। वैसे मैं क्या कह रहा था भाई, ये शेल्टर बनाया ही है तुम लोगों के लिए, वैसे भी अब तो हम लोग इस जगह से जाने वाले हैं। ये क्या है? अरे यार कोई होगा हमारी तरह ही आके इधर ही सो गया है। ओ ये भी मैजिकल है क्या? पता नहीं। हेलो भाई डियर। सो रहा है यार सोने तो इसे। फिलहाल आया कहाँ से ये? मैंने बताया ना काफ़ी सारे हम लोग ये अब इधर फैले हुए हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है तो मैं ये कह रहा था भाई, अब देख भाई हम तो यहाँ से निकलने वाले हैं। अरे गाड़ी मिल गई यार, कैसे अनलॉक किया? बताता हूँ यार रुक जाओ दो मिनट। तो देख भाई डियर हम लोग तो यहाँ से निकलने वाले हैं, ये हमारा बनाया हुआ इतना ब्यूटीफुल सा शेड जो है ये यार बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो तू एक काम कर, तू अपनी फैमिली लेके आ जा यहीं पर बिंदास रह। अच्छा सच में? हाँ भाई हमारी तरफ से गिफ्ट, तूने भाई देख हमारी इतनी हेल्प की। हेल्प क्या भाई, तेरी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, वरना तो वो डार्क घोस्ट का बच्चा मेरे को टपका चुका होता, ये एंड टाइम पे आ गया भाई लास्ट टाइम, वरना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए भाई मैं क्या सोच रहा था यार, मेरी तरफ से ये गिफ्ट है तुझे और तेरी फैमिली को। पक्का 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 भाई पक्का। ठीक है वैसे मुझे गिफ्ट तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा पसंद है यार। ठीक है भाई ठीक है। तो शिनचैन पिनचैन और चॉप यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। अरे यार यहाँ से निकलने का मतलब? अबे इस वर्ल्ड को छोड़ के जाने का और क्या। अरे मतलब वापस अपने घर जाने का टाइम आ गया क्या? बिल्कुल भाई, अभी हम लोग चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये पोर्टल ओपन करता है अक्सर ये जो डार्क घोस्ट है, और वहीं पे जाके छुप जाते हैं, इंतजार करते हैं इसके पोर्टल ओपन करने का। जैसे ही जब ही ये पोर्टल ओपन करेगा हम लोग अंदर जंप लगा देंगे। कैसा लगा प्लान? अरे प्लान तो बढ़िया है यार, लेकिन तुम्हें क्या पता कब वो पोर्टल ओपन करेगा। अरे कभी तो करेगा, एक दिन बाद करेगा, दो दिन बाद करेगा, कभी ना कभी तो पोर्टल ओपन करेगा ही ऑब्वियसली, तब हम लोग जंप लगा देंगे। ठीक है चल भाई चल चल हम लोग तैयार है। चलो भाई वैसे भी यहाँ पर जिंदगी भर रहने का कोई फायदा तो है नहीं भाई, जब मर्जी तब आके वो परेशान करता रहेगा डार्क घोस्ट का बच्चा, इससे बढ़िया हम लोग यहाँ से निकल ही लेते हैं। वैसे भी वो सारे इंसानों को खा गया, हमें भी खा जाएगा, सेफ जगह नहीं है बिल्कुल भी ये। आ जाओ अभी बैठो बैठो निकलते हैं यहाँ से। और सुनो भाई इस बार कोई गड़बड़ मत करना भाई। अबे शिनचैन बैठ गया, तू पिनचैन भाई छत पे बैठ जा। अरे गड़बड़ मतलब कैसी गड़बड़ यार? गड़बड़ का मतलब जब हम लोग भाई अपने वर्ल्ड में थे तब मैंने तुम लोगों से मना किया था कि उस पोर्टल के पास मत जाओ भाई, कुछ तो अंदर से पिंक पिंक सा आ रहा है, लेकिन तुम लोग नहीं माने और भाई तुम लोग आ गए इस वाले वर्ल्ड में। तुम लोगों को बचाने के चक्कर में मुझे भी आना पड़ा इस वर्ल्ड में और अब हम लोग चारों फंस चुके हैं। अरे यार ठीक है यार अब तुम्हारी बात सुनेंगे। बाकी डियर भाई यार थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कभी बाद में या शायद कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब हम लोग इस वर्ल्ड में दोबारा कभी आएंगे।
मैं चला अपने असली वर्ल्ड। तुझे भी चलना है तो बता। नहीं नहीं यार, मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं पर ठीक हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। नए इस वाले घर में रही हो तू, गिफ्ट कर ही दिया है हमने तुझे। बाय बाय डियर ब्रो, बाय बाय। अकी चलते हैं। पिंचन भाई उतर गया तू छत से? अंदर बैठने गए तुझे? अरे यार बारिश लग रही है ऊपर। तो अंदर बैठेगा? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है अब जल्दी से अपने घर चलो यार। क्या कलवे यार, तू गाड़ी भी भाई टू सीटर ही लेकर आया, फोर सीटर लेकर आ जाता। अब बड़ी मुश्किल से ये साइमन से लेकर आया, वो भी फ्री में छीन के आ गया मैं उससे। अरे क्या बात कर रहे हो यार। हाँ अब छोड़ वो सब। डियर ब्रो बाय बाय भाई, बाय बाय। ओके मिलते हैं फिर कभी। चलो गाइस अब निकलते हैं इस जगह से। काफ़ी अच्छी जगह थी भाई ये, लिटरली में पूरे डार्क वर्ल्ड में एक यही जगह थी जहाँ हम लोग पूरी तरीके से सेफ थे उस डार्क फोर्स से। वो जब भी आता है भाई यहाँ पर, उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो भाग जाता है। डर के मारे वो दोबारा कभी आया भी नहीं यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, काफ़ी अच्छी जगह थी, यहाँ पर हम लोग काफ़ी सेफ रहे। बाकी अब हम लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ, इस वाले वर्ल्ड में अपने घर की तरफ, क्योंकि वहीं पर वो पोर्टल ओपन करता रहता है और हमें उस पोर्टल के अंदर से जंप लगानी है और सिंपली हम लोग पहुंच जाएंगे अपने घर, अपनी असली दुनिया में भाई, रियल वर्ल्ड में। तुम लोग जाओ गाइस, वीडियो को लाइक करो अभी कभी लाइक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि हम लोग जाने वाले अपने रियल वर्ल्ड में, अपने असली घर की तरफ। जाओ अभी कभी, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लेट्स गो। फाइनली 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 पहुंचने वाले हैं गाइस, अपने घर की तरफ पहुंचने वाले हैं। और यहाँ यहाँ पर अपनी गाड़ी पड़ी होगी, एक वो रही येलो कलर की ये गाड़ी। अगर तुम लोगों को नहीं पता है, इसका मतलब तुम लोगों ने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं। जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड देखा है उसको ज़रूर पता होगा गाइस ये गाड़ी यहाँ पर क्यों है। अगर तुम लोगों को पता है तो कमेंट में बताओ भाई ज़रा, ये वाली गाड़ी यहाँ पर कैसे आई और क्यों आई और ये किसकी गाड़ी है। यस गाइस अभी जाओ और कमेंट में बताओ भाई कि ये गाड़ी यहाँ पर क्यों आई, कैसे आई और किसकी गाड़ी है ये। बाकी अभी हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। ओके लेट्स गो, संभाल के एकदम आगे से राइट, सिंपल सा। क्या ये? ओ पानी अगर पीना हो तो ये जगह सही है यार, मस्त एकदम बिंदास यहाँ पर खड़े हो गए, पानी पी लो फायर हाइड्रेंट के पास से, बढ़िया है ये तो। अबे बंद हो गया, तो हमें यहाँ से अभी राइट लेना है। ओके फाइनली फाइनली हम लोग घर की तरफ पहुँच चुके हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाई उसने हमें नहीं देखा है, वो जो डार्क घोस्ट है उसे नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और बस हमें इधर जाके छुप जाना है। बल्कि ये परफेक्ट एकदम जगह है भाई, पीछे वाला कोना अपने घर का, यहाँ पर अगर हम लोग छुपते हैं तो उसको बिल्कुल नहीं पता चलेगा उस डार्क घोस्ट को। तो चलो फिर लेट्स गो। ओके ओके नाइस, और बस अब इंतज़ार करना है। देखो भाई उसकी नज़रों से बच के आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि भाई अगर हमें वो देख लेता तो उसे पता चल जाता कि हम लोग कुछ खुराफाती प्लान कर रहे हैं और वो इधर पोर्टल बनाएगा ही नहीं। लेकिन हम लोग उसकी नज़रों से बचते बचाते यहाँ पर आ चुके हैं, उसे पता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पर हैं। अब वो किसी दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए पोर्टल बनाएगा और हम लोग उसके पीछे चले जाएंगे और जंप लगा देंगे अपनी गाड़ी के साथ ही, पहुँच जाएंगे हम भी उस वर्ल्ड में और हमेशा के लिए निकल जाएंगे इस वाले वर्ल्ड से बाहर। लेकिन फिलहाल अपनी गाड़ी अटक रही है यार। चलो 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 थोड़ा सा और पुश। ओके नाइस, आ गए भाई, फाइनली आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस यहाँ पर छुप जाओ और इंतज़ार करते हैं उस डार्क घोस्ट के आने का। बे यार कलुआ भाई मैं तो अटक गया इस पे, बे उस पे ही रह, नीचे उतरना ज़रूरी है कि तेरा? अबे नीचे ना उतरूँ मैं? नहीं नहीं वहीं पे रह भाई, क्या पता कब वो आ जाए, कब वो पोर्टल बना दे, भागना है हमें जल्द से जल्द। अरे हाँ यार चौप तुम उसी पर रहो तो फ्रेंडली, आप आगे बताओ यार आगे क्या होगा। तो देख भाई हमारा घर जो है यही इकलौती जगह है जहाँ पर वो पोर्टल वगैरह बनाता है और दूसरे वर्ल्ड में जाता है, तो बस हमें सिंपली यहाँ पर छुपे रहना है, इंतज़ार करना है, जैसे ही वो डार्क घोस्ट आएगा और पोर्टल बनाएगा रियल वर्ल्ड में जाने के लिए, हम लोग उसके पीछे जंप लगा देंगे और हम लोग फाइनली अपने घर पहुँच जाएंगे। लेकिन वो कब आएगा ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लिटरली में भाई आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, या फिर जस्ट अब भी आ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। तब तक क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर छुपे रहते हैं और क्या, क्यों भाई? अरे हाँ यार और क्या ही कर सकते हैं। यार कलवे यार चुप रह जाओ भाई, ज़्यादा बातें बातें मत करो, उसे पता चल गया तो। हाँ ये भी बात सही कह रहा चौप भाई, इधर ही चुपचाप छुपे रहते हैं गाइस, ज़्यादा बातें बातें नहीं करते हैं, शांति से यहीं पे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं उस डार्क होस्ट के आने का। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यार, ये जो इधर बर्फ़ है वो और भी ज़्यादा तगड़ी पड़ने लगी है। तुम लोग एक बार बर्फ़ देखो, कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है और कितनी ज़्यादा तगड़ी बर्फ़ पड़ रही है,
ये स्नोफॉल है कि क्या है भाई? ये जो डार्क वर्ल्ड है, इसके जो मौसम है बहुत अजीबोगरीब है। कहीं हरा एकदम एलियन जैसा मौसम हो रखा है, कहीं पर एकदम रेड रेड मौसम हो रखा है, कहीं पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो कहीं पर ये देखो बहुत तेज़ स्नोफॉल। ये ज़रा सी स्नोफॉल नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है भाई। हद होती है स्नोफॉल की, ये तो ऐसा लग रहा है बारिश गिर रही है। छुपे रहो भाई दरी, कब आएगा ये? काफ़ी टाइम बीत चुका है यार, अभी भी नहीं पता कब आएगा ये। नहीं चल रहा भाई, कुछ भी नहीं पता चल रहा, अब तो अंधेरा सा भी हो गया है। पता नहीं टाइम क्या हो रहा है, इधर घड़ी किसके पास है? फिर से काफ़ी टाइम बीत चुका है और जब से हम लोग आए भाई तब से आया ही नहीं है। अरे कल भाई ये प्लान काम भी करेगा या फिर नहीं, पता नहीं भाई। अरे मुझे नहीं लग रहा यार ये तुम्हारा फालतू का प्लान काम करेगा कभी। अबे यार अब मेरी क्या गलती है, और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास? हमें जिंदगी भर फिर वहीं पर रहना पड़ता, वहां पर रहना मंजूर है? नहीं भाई कल अपने घर जाना है, अपने रियल वर्ल्ड में जाना है। तो फिर बस करो इंतजार। अभी भी नहीं आया है वो, अभी भी नहीं आया वो। आई गेस पिछले 2 दिन से हैं हम लोग यहाँ पर, अब तो भाई भूख भी लगने लग गई है। भूख क्या, भूख के वजह से हालत ख़राब हो रही है। हाँ यार कलुआ है, और ये आने का नाम ही नहीं ले रहा। वही तो भाई, आ ही नहीं रहा ये डार्क घोस्ट का बच्चा। चलो चलो पोर्टल ओपन किया जाए। एक सेकंड, आवाज़ आई ना भाई? अरे आवाज़ तो आई थी यार अभी। लगता है वो आ गया है, लगता है वो आ गया है। हमारे 2 दिन की मेहनत, अरे हमारे 2 दिन की मेहनत सफल होने वाली है यार। चलो फटाफट से पोर्टल बनाता हूँ। भाई आया तो है डेफिनेटली। ओह यस, आ चुका है वो, आ चुका है भाई। अरे यार पक्का वही है क्या? अबे धीरे बोल बे, पकड़े जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे हाँ यार पक्का वही है क्या, बताओ ना। वही है, थोड़ा बहुत दिख रहा है यार, और कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा है यार। तुम लोग शोर मत मचाना बिल्कुल भी। हाँ बे यार, एक ही मौका मिलेगा हमें यहाँ से भागने का। ओके ओके गाइस, मैं ज़रा एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ कि पक्का ये वही है ना। हाँ लेकिन उसके अलावा होगा क्या, इसमें कंफर्म करने की क्या जरूरत है? यस ये डेफिनेटली वही है। चलो चलो चलो, अबे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? पीछे आओ, गड़बड़ मत करो। यस ये वही है। अरे तो फिर हम लोग तैयार रहते हैं यार। बिल्कुल तैयार रहते हैं, जैसे इसका पोर्टल बनेगा, जैसे ये जंप लगाएगा हम लोग भी आ जाएंगे। टिंचन भाई क्या कर रहा है, इधर ही रहे। ओके बनने दो गाइस, पोर्टल बनने दो इसका। अरे उसने पोर्टल बना लिया क्या? बना लिया भाई, बना लिया पोर्टल, बिल्कुल उसने बना लिया है। तो भाई साहब कल अब हमें तैयारी करनी चाहिए। रुक जाओ, उसके जंप करते ही हम लोग जाएंगे। अरे लेकिन अभी तैयारी करनी चाहिए ना यार, इतनी जल्दी पोर्टल थोड़ी ना बंद हो जाएगा। तुम लोग चुप रहो, वो जैसी जंप करेगा हम लोग भाग लेंगे। अरे ठीक है यार, चलते हैं दूसरे वर्ल्ड में। कूद गया। अरे कूद के कहाँ गया वो? अब गायब हो जाएगा और कहाँ जाएगा। बैठो गाड़ी में बैठो, हमारे पास यही एक चांस है पोर्टल बंद ना हो जाए। जल्दी मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम लोग अभी मत बैठो, पहले इस वाले। अरे यार कहाँ लाके गाड़ी फंसा दी मैंने, गड़बड़ कर दी। ओके अब यार भाई पोर्टल अगर बंद हो गया ना भाई, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। यार कलुआ क्या कर रहा है तू, गाड़ी निकाल फटाफट। भाई निकल ही नहीं रही, अटक गई है। लाया कैसे था तू इधर? बड़ी मुश्किलों से लाया था यार मैं तो, बड़ी मुश्किलों से निकाल बे। चलो 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 निकल गई। ओए शिंचन पिंचन चौप, मतलब चौप तो बैठा है। ओए शिंचन पिंचन जल्दी से आओ। अरे कहाँ है यार? अबे कहाँ क्या आओगे, मेरे सर पे आओगे क्या? गाड़ी पे आओ, फटाफट आओ, अबे बंद हो जाएगा पोर्टल, जल्दी बैठो। पिंचन भाई तू डायरेक्टली आके छत पे आ गया? अरे यार चलो ना तुम। ओके आराम से। यार गाड़ी क्यों अटक रही है, मेरी किस्मत भाई किस्मत। अरे ये गाड़ी को भी इसी जगह पे अटकना था, इसका बूस्टर भी काम नहीं कर रहा है अब। अरे निकल जा मेरी गाड़ी प्लीज। यार उधर पोर्टल ना बंद हो जाए भाई। अरे चल ही नहीं रही आगे, ये क्या करूँ मैं? चल 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 आगे चल। ओके नाइस, रिवर्स एंड आगे चल फ्रंट एंड रिवर्स, बहुत ही बड़ी। चल मेरी गाड़ी बहुत ही बड़ी। ओके नाइस, निकल गई ऑलमोस्ट निकल गई गाइस, बहुत ही बढ़िया निकल गई। जल्दी पोर्टल बंद नहीं हुआ है शायद अभी। अरे जल्दी चलो यार। ओके भाई यार कलु है क्या कर रहा है भाई, निकलना है आज इस वर्ल्ड से। चलो गाइस निकलते हैं फाइनली इस वर्ल्ड से, सामने की तरफ पोर्टल है, लगाते हैं हम लोग जंप, लेट्स गो। ओके क्या ये लॉस सैंटोस में एक सेकेंड, लॉस सैंटोस नहीं है ये, क्योंकि अगर पोर्टल से हम लोग निकले तो भाई लॉस सैंटोस में अपने घर के ही आगे से निकलने चाहिए थे, तो फिर कहाँ से निकले हैं ये हम लोग? अरे पोर्टल कहाँ है यार? पोर्टल तो यही था ना शायद, यही होगा। पोर्टल कहाँ गया, पोर्टल कहाँ जा सकता है? अभी तो निकले हम लोग,
किधर से निकले? हाँ ये तो रहा अपना पोर्टल। पोर्टल कहाँ जाएगा यार, तुम लोग भी कैसी बातें कर रहे हो। ओ कहाँ गया? अरे पोर्टल गायब हो गया यार। अच्छा लगता है उसने पोर्टल बंद कर लिया। ओके लेकिन ये लॉस सेंटोस तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। तो फिर क्या है ये? ये तो मुझे खुद नहीं पता भाई क्या है ये, लेकिन लॉस सेंटोस तो नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो सीन क्या हुआ था, जब हम लोग अपने लॉस सेंटोस से, जब मैं शिनचैन पिंचन और चॉप को बचाने के लिए कूदा, तो अपने घर से डायरेक्टली मैं टेलीपोर्ट होके आया अपने ही घर पे, लेकिन डार्क वर्ल्ड में। अब डार्क वर्ल्ड से हम लोगों ने जंप लगाई अपने घर से, तो क्या होना चाहिए था, मुझे आ जाना चाहिए था अपने ही घर पे असली लॉस सेंटोस। लेकिन हुआ क्या, डार्क वर्ल्ड से जंप लगाने के बाद ये तो कहीं और ही किसी और ही वर्ल्ड में आ गए। अरे क्या पता लॉस सेंटोस में ही किसी दूसरी जगह पर आ गए होंगे यार। अच्छा ठीक है मान लिया, चल लॉस सेंटोस में किसी दूसरी जगह पर आ गए, लेकिन लॉस सेंटोस में इतना बर्फ वाला मौसम थोड़ी ना था भाई। बर्फ क्यों इतनी पड़ेगी, इतना बर्फीला मौसम तो था ही नहीं लॉस सेंटोस के अंदर। तो फिर कहाँ आ गए हम लोग? पता नहीं भाई कहाँ आ गए, लेकिन बहुत ही अजीबोगरीब सी जगह लग रही है ये तो। इधर साइड साइड में अजीबोगरीब से क्या है, वो पेड़ होंगे वो। अबे पेड़ ऐसे होते हैं, इतने पतली पतली टहनियाँ और ऊपर ऐसा गोल सा पेड़ थोड़ी ना होता है ऐसा कुछ। कौन सी जगह है यार, लिटरली मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वेट क्या है ये, अरे आगे तो ये जगह बिल्कुल ही क्या है क्या ये तो जगह ही आगे खत्म नहीं हो रही है भाई। ये जगह कुछ जानी पहचानी भी नहीं लग रही कि मैं कहूँ कि अच्छा ये तो वो है। ये क्या है? अरे ये सब पत्थर पड़े हुए हैं। पत्थर यार क्या है? ये कहाँ आ गया मैं, सीरियसली मैं कहाँ आ गया अपने घर आने के चक्कर में। एक वो डार्क वर्ल्ड से निकले तो पता नहीं अब ये कौन से वाइट वर्ल्ड में आ गए भाई। अरे कोई है यहाँ पर, अबे उस घोष ने भी तो जंप लगाई थी हमारे साथ, वो कहाँ गया? पता नहीं यार यहाँ पर उसका क्या चालू है। ओके भाई लिटरली मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी जगह। लॉस सेंटोस तो बिल्कुल नहीं है ये, डेफिनेटली मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ ये लॉस सेंटोस तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। कैयो पेरिको? अरे तो हम लोग कैयो पेरिको आइलैंड पर आगे लगता है। नहीं भाई लेकिन कैयो पेरिको तो एकदम गर्म जगह है, वहां तो बर्फ ही नहीं पड़ती है। तो भाई साहब कलुआ फिर ये क्या है? ओ समझा मैं, समझा भाई सब समझ गया मैं। अरे क्या समझ गया यार तुम? यही समझ गया मैं भाई कि उसने कैसे लॉस सेंटोस का एक नकली डार्क वर्ल्ड बना रखा है जो कि हूबहू लॉस सेंटोस की तरह ही दिखता है। अरे बिल्कुल यार। तो इसका मतलब उस डार्क घोस्ट ने कैयो पेरिको का भी एक नकली वर्ल्ड बना रखा है जो कि हूबहू कैयो पेरिको आइलैंड की तरह ही दिखता है लेकिन बहुत ज्यादा हटके। अरे तो इसका मतलब उसने नॉर्थ यंगटन? बिल्कुल उसने नॉर्थ यंगटन का भी कोई ना कोई नकली वर्ल्ड बनाया होगा जो कि नॉर्थ यंगटन जैसा ही दिखता होगा लेकिन है बिल्कुल हटके। भाई देखो तुम लोग खुद देखो क्या है वो पैरे को भाई, एकदम चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, वहां पर एकदम दबा के गर्मी पड़ती है, लेकिन ये देखो इसके क्या है वो पैरे को आइलैंड में बर्फ है। और बर्फ तो छोड़ो भाई बर्फ पड़ भी रही है। ये अब क्या करना है यहाँ से, ये सोचना है। अरे यार ये तो वही हो गया आसमान से टपके खजूर में अटके। बिल्कुल भाई लिटरली में एक तो बड़ी मुश्किल से उस डार्क वर्ल्ड से अपनी जान बचा के भागे हम लोग कि चलो डियर ने हमारी हेल्प की, फिर उसके बाद हमें तरीका मिल गया वहां से भागने का, जैसे तैसे करके हम लोग वहां से भागे हैं यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये क्या हम तो यहाँ पर भी आके फंस गए। अब यहाँ से पता नहीं अब कहाँ जाएंगे हम लोग, लेकिन भाई मुझे निकलना है, मुझे अपने घर जाना है यार। भाई कैयो पेरिको है, यस ये कैयो पेरिको है, वहाँ पर ही ऐसे अजीबोगरीब से टावर हैं, लेकिन बिल्कुल भी भाई पहचान में नहीं आ रहा कैयो पेरिको आएगा कहाँ से, चारों तरफ सिर्फ वाइट वाइट ही तो दिख रहा है भाई। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ पड़ भी रही है। अरे कहाँ जाते जा रहे हो यार तुम? पता नहीं लेकिन इधर थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख रहा है, इधर बर्फ थोड़ी सी कम है। भाई मुझे कुछ नहीं पता मैं किधर जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, कोई नहीं है यहाँ पर। अरे यार यहाँ पर तो हमारी जान बचाने के लिए भी वो मैजिकल डियर नहीं है, इसलिए ऐसे खुले में नहीं घूम सकते यार। हाँ ये भी बात सही कह रहा है, क्या पता डार्क घोस्ट यहीं कहीं हो। वही तो यार संभाल के चलो। ठीक है आराम से धीरे धीरे चलते हैं। अबे यार एक तो उस पोर्टल के पास हम लोग दोबारा गए कि चलो वापस से इधर से जंप लगा देते हैं, एटलीस्ट उसमें तो पहुंच जाएंगे वो जो जहां से हम लोग आए डार्क वर्ल्ड से, एटलीस्ट वहां पर हमारी हेल्प करने के लिए एक डियर तो था, लेकिन नहीं हम लोग वहां से भी आ गए और यहाँ हमारी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है। कोई नहीं है भाई, हेलो कोई है, रूम तो खुला है लेकिन कोई नहीं था उसके अंदर। अरे कहाँ आ गए भाई ये? अरे एक तो भूख भी लगी है यार। भूख तो भाई मुझे भी लगी है, दो तीन दिन से हम लोगों ने भाई लिटरली में कुछ भी नहीं खाया है। इधर चलते हैं शायद कुछ कुछ तो मिल जाए। कुछ भी नहीं है भाई, तंबू से लगा रखे हैं, कुछ भी नहीं है इधर।
कोई है इधर? तो भाई संतरे के पेड़ भी नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक। तो है क्या फिर इस जगह पे? क्यों आ गए हम लोग यहाँ पर? हमारी किस्मत ही खराब है। आई गेस फिर से हमें वही करना पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने ट्रिक का यूज किया। हम लोगों ने अभी भाई किस ट्रिक का यूज किया? हम लोगों ने इस्तेमाल किया कि जहाँ पर ऑब्वियसली वो पोर्टल खोलता है, वो जो डार्क होस्ट है, हम लोग वहीं पर जाकर छुप गए। जैसे इसने पोर्टल ओपन किया हम लोग आ गए, पोर्टल बंद हो गया। फिर से हम लोग एक काम करते हैं, जहाँ पर पोर्टल ओपन हुआ था ना भाई, वहीं पर जाके छुप जाते हैं। जब वो डार्क होस्ट आएगा, और कभी ना कभी तो आएगा ऑब्वियस सी बात है, और कभी ना कभी आके वो पोर्टल ओपन ज़रूर करेगा, हम लोग दोबारा से जंप लगा देंगे। आई गेस ये वही जगह थी जहाँ पर पोर्टल ओपन हुआ था और हम लोग आए थे। ये देखो अब थोड़ा सा मौसम साफ हो गया भाई, थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है अब दूर दूर तक का। यस गाइस एग्जैक्टली यही जगह एग्जैक्टली है जहाँ से पोर्टल ओपन हुआ था और हम लोग आए थे। इसका मतलब हमें यहाँ छुप जाना होगा, या फिर इधर भी छुप सकते हैं, पेड़ के पीछे तो भाई नज़र आ जाएंगे आराम से उसे। इधर इधर ठीक है, इधर फिर ऊपर जाने की कोई जगह है पर सीढ़ी वीढ़ी है क्या? गेट वेट खुलते हैं क्या? पता नहीं, एक बार जाके देखूं भाई। अरे जाके देखो यार बिल्कुल। ये तो रहा दरवाजा, रुको 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 रुको, चल के ही देख लेते हैं एक बार। खुलता है? नहीं यार नहीं खुलता है। पीछे वाला गेट भाई कुछ नहीं खुलता है यहाँ पे। नहीं है भाई, नहीं नहीं खुल रहा ये गेट। कुछ खाने पीने का सामान होगा क्या डब्बों के अंदर? किसी भी डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है खाने पीने का सामान। अरे यार ये तो पता चल गया कि चलो पोर्टल यहाँ पर है, हमें यहीं पर आकर इंतजार करना है उस घोस्ट का। हाँ इतना तो पता चल गया भाई, यहाँ पर आकर छुप जाएंगे, डार्क घोस्ट आएगा पोर्टल ओपन करेगा, पीछे पीछे जंप लगा देंगे। बट अभी हम लोगों को डार्क घोस्ट की टेंशन नहीं है, अभी टेंशन है खाने की भाई, बहुत तेज भूख लगी है। एक सेकंड, ये वाली जगह खुली हुई है क्या? ओ लग तो रही है। यस और कुछ खाने पीने की चीज है क्या भाई? हेलो हेलो कोई है क्या? हेलो कोई है क्या? अबे यार इस आइलैंड पर फंस गए हैं भाई लिटरली में हम लोग। ना इधर खाने पीने को कुछ है, ना वो पता नहीं घोस्ट कब आएगा, पोर्टल कब ओपन करेगा। ऐसा लग रहा है उस घोस्ट ने अपना दिमाग लगाया हमें यहाँ ट्रैप करने के लिए, लेकिन उसे पता ही कहाँ था कि हम लोग भाई प्लान बना रहे हैं उसका ये तरीका यूज करने का। मुझे नहीं लगता है उस घोस्ट को पता होगा कि हम लोग वहाँ से भाग चुके हैं भाई। डेफिनेटली आई एम श्योर उसे बिल्कुल नहीं पता है कि हम लोग वहाँ से भाग चुके हैं, वरना अभी तक इस जगह पे भी वो तबाही मचाना शुरू कर देता, और वहाँ तो तबाही मचाता ही, उसे पता ही नहीं चला है अभी तक। क्या इधर कुछ खाने पीने का तो सामान ही नहीं दिख रहा भाई, क्या फूटा, डर गया यार मैं तो। टैंकर है पीछे की तरफ, इधर क्या ही है अजीब गरीब भाई, क्या है ये, क्या है क्या ये सब? फालतू के पेड़, एकदम वाहिया पेड़। अबे कुछ खाने पीने का चीज नहीं है तुम लोगों के पास? अबे है तो बताओ बे। हेलो भूख लगी है, मैं कुछ मदद करूं? कौन भाई ये कहाँ से आ गया? अरे ये तो यहीं पर था। अबे लेकिन यहाँ कहाँ से आ गया ये? अबे अबे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कलुआ भाई पता चला इसके पास कुछ खतरनाक खतरनाक पावर है भाई, लास्ट टाइम तेरे ऊपर यूज कर रहा था। हाँ यार मेरे को तो अजीब गरीब तरीके से हवा में ही उड़ा रहा था ये, इधर से उधर ले जा के पटक रहा था, बहुत तगड़ी पावर थी। आई गेस मैं जब तक गाड़ी के अंदर हूँ तब तक ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है भाई। अरे लेकिन अब क्या करें यार? जो रुक जाए इस पे गोलियां चलाता हूँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा। यस यस कम ऑन गोलियां लग तो रही है गाइस, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इसे कुछ फर्क पड़ रहा है। गिर तो रहा है बार बार, लेकिन वापस से होश में भी आ जा रहा है ये। गोलियां भाई लिटरली मैं चलाया जा रहा हूँ मैं बिंदास। अरे कुछ और करो कुछ और। मैं कुछ और क्या करूँ भाई, गोलियां चला तो रहा हूँ बिंदास, कुछ हो ही नहीं रहा उसे तो। रुक जा थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा बढ़िया तरीके से एम लगाते हैं तब कुछ होगा डेफिनेटली। रुको 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 गाइस, रुको रुको रुको, कम ऑन कम ऑन। अरे यार ये तो बिल्कुल ही मेरे ही पीछे आ रहा है, डर भी तो नहीं रही भाई हमसे? अरे बल्कि वो तो हमें ही डरा रहा है यार, मेरा एम भी तो इतना घटिया है इस गाड़ी का। साइमन के बच्चे ने फ्री में गाड़ी, मैंने एक्चुअली में छीन ली उससे, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है गाइस। ओके ओके ओके, लगी 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 गोली लगी, कम ऑन आजा बेटा तू आजा, टार घुस के बच्चे आजा, तेरे को तो उड़ाता हूँ मैं, ये ले बहुत ही बढ़िया, आ जा आ जा। बे यार कलुआ कब तक इससे लड़ते रहेंगे हम लोग, कुछ और सोच इसको। रुक जाओ भाई, इसको कुछ तो करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और इसको उड़ाना पड़ेगा। क्या क्या करूं क्या करूं, गाड़ी ठोकने से तो इसका कुछ बिगड़ ही नहीं रहा। आइडिया आइडिया, अरे क्या आइडिया आया है यार? आइडिया बहुत तगड़ा आया है। अरे क्या आया है ये तो बताओ। आइडिया देखो भाई, पीछे क्या है, ऑयल का टैंकर है। हाँ यार कलुआ लग तो रहा है, मैं इसे भगाता हुआ उधर ले जाऊंगा, वहां से फटाफट से भाग के आ जाऊंगा और ऑयल के टैंकर को ब्लास्ट कर दूंगा। कैसा लगा आइडिया मेरा? बढ़िया है यार ये तो। वही तो, एकदम ही एपिक आइडिया है कि नहीं? अरे तो फिर ले चलो। ओके फटाफट गाइस फटाफट, ये मैं आया ऑयल के टैंकर के पास, इसे लेकर आया फटाफट से जाके। कम ऑन ऑयल का टैंकर,
ओ नहीं नहीं नहीं, मेरी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। रुको रुको रुको, इधर इधर लाया। हाँ इधर इधर आ जा भाई, मेरी गाड़ी के पीछे भागता आ रहा है। इधर आ, चलो चलो चलो, पीछे छोड़ के आ गया हूँ। अरे जल्दी से फायर करो यार। ओके ओके, वो टैंकर के पास है, वो टैंकर के पास है, कम ऑन। ओके टैंकर ब्लास्ट, और आई गेस वो भी बेहोश भाई, जस्ट उसके मुंह पे फटाइए टैंकर। यस टैंकर ब्लास्ट हो चुका है, ये भी गया। अबे लेकिन एक सेकंड, वो मर गया होगा तो? अरे फिर हमें इस जगह से कौन निकालेगा? अबे नहीं नहीं भाई, उसे मरने नहीं दे सकते हम लोग। लेकिन इतनी आसानी से थोड़ा मर जाएगा एक ब्लास्ट से भाई सब। यार देखो, अगर वो जिंदा रहा तो भी गड़बड़ है क्योंकि हमें पीट रहा है वो, मर गया तो भी गड़बड़ है क्योंकि हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि ये उसका बनाया हुआ वर्ल्ड है। और अगर वो मर गया तो इस वर्ल्ड से हमें कौन एस्केप करवाएगा? नहीं नहीं भाई, डेफिनेटली मरना नहीं चाहिए। और वो डेफिनेटली मरेगा भी नहीं, वो भाग गया उठ के। वही तो मैं कहूँ, इतना तगड़ा खतरनाक घोस्ट है, एक छोटे से ब्लास्ट से थोड़ा टपक जाएगा। भाग गया गाइस वो यहाँ से उठ के। चलो कोई नहीं, कम से कम हमें खाना ढूंढने का टाइम तो मिल गया एटलीस्ट। खाना है क्या कोई यहाँ पर? मतलब कोई नहीं, खाना दे सकता है क्या कोई यहाँ पर? इस वाले रास्ते पे चलते हैं, इस वाले रास्ते पे नहीं गया मैं। मेरी आगे हमें फ्रूट्स का कोई ट्री मिल जाए, उसको मिल जाए। कि पानी के अंदर क्या है यार, गोले गोले से कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा भाई, सीरियसली में। वेट, क्या है ये? मछलियाँ? मतलब सीरियसली में ये पानी है? ये कैसा पानी है जो कि नजर ही नहीं आ रहा? और पानी के बिना मछलियाँ कैसे हैं भाई? इनविजिबल वाटर बनाया है क्या इसने अपने वर्ल्ड में? अरे यार मेरे को गड़बड़ लग रही है भाई, ये डार्क वर्ल्ड से भी खतरनाक वर्ल्ड लग रहा है मेरे को तो। ये तो व्हाइट वर्ल्ड तो डार्क वर्ल्ड से भी खतरनाक लग रहा है सीरियसली में। ये देखो यहाँ पर पानी है, मैं तैर पा रहा हूँ लेकिन ये पानी नजर नहीं आ रहा है। मछलियाँ तैर रही है यहाँ पर लेकिन ये पानी नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये कैसा इनविजिबल वाटर है? और आई गेस ये कुछ सेंसर वेंसर है, इससे शायद कोई अगर यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करेगा तो इससे शायद उसे सिग्नल पहुँचता होगा। आई हैव नो आइडिया क्या चीज़ है वो, बट मैं तो इस चीज़ को देखकर शॉक्ड हूँ भाई। ये पानी कैसे है, मतलब कैसा पानी है ये जो कि इनविजिबल है और इतनी सारी मछलियाँ तैर रही है? आई साहब बिना पानी के इतनी सारी मछलियाँ कैसे हो सकता है? और पड़ी हुई भी नहीं है बिना पानी के वो ज़मीन पे, बिना पानी के वो तैर रही है और मैं भी बिना पानी के तैर रहा हूँ। क्या हो रहा है यार, कंफ्यूज कर दिया इस डार्क घोष ने तो यहाँ पर ला के, मतलब वो नहीं लाया, हम लोग खुद यहाँ पर आए हैं बट कंफ्यूज हो गए हैं भाई हम लोग तो। शिनचैन पिनचैन कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और भूख लगी है। भूख तो यार मुझे भी लगी है, जुगाड़ तो करना पड़ेगा। आजा भाई पिनचैन, बैठ गाड़ी में, ढूंढते हैं कहीं खाना। अरे चलो चलो यार, ढूंढो ढूंढो। कहाँ ढूंढूं अब, कोई जगह ढूंढने लायक बची भी है? आई गेस गाइस मुझे नहीं लगता भाई हम लोग इस जगह से जल्दी एस्केप कर पाएंगे, या फिर एस्केप तो कर जाएंगे बट मुझे नहीं लगता यहाँ से भाई खाना वाना मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं भाई खाने लायक। ये रेड कलर के प्लांट्स हैं, ये थोड़े अलग दिख रहे हैं। अरे जहरीले हो सकते हैं यार। हाँ ये भी बात तो सही कह रहा है, जहरीले भी हो सकते हैं। नहीं भाई रिस्क नहीं ले सकते, एक तो वैसे ही हमारी हालत ख़राब है। नहीं नहीं छोड़ो, भूखे ही ठीक है हम लोग फिलहाल तो। गाइज मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से निकलने की कोशिश करने वाला हूँ, वही सेम अपना तरीका यूज़ करेंगे हम लोग, जाकर छुप जाएंगे उस वाली जगह पर। और ये जो घोस्ट है, डार्क घोस्ट, ये पता नहीं कहाँ भाग गया बेहोश होने के बाद, आ जाएगा कभी ना कभी तो। लेकिन उसे ये पता चल गया कि हम लोग इसी वाले वर्ल्ड में। खैर जो भी हो, वो पोर्टल जैसे ही क्रिएट करेगा हम लोग छुपे होंगे, हम लोग उसके पीछे जाएंगे और फाइनली अपने वर्ल्ड में शायद चले जाएं। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी आज की वीडियो तुम लोगों को बढ़िया लगी हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक तुम लोगों ने पूरी घोस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो गाइज, यहाँ पर क्लिक करो फटाफट, पूरी की पूरी डार्क घोस्ट सीरीज को तुम लोग बिंज वॉच कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।